एक मिनट, यहाँ बांधते हैं ऐसा, छेद करना पड़ेगा यहाँ पर सब, कुछ नहीं करना, ऐसी रहेगा। नहीं नहीं निकल जाएगा, मैं बोल मैं जानता हूँ ना, सरक के निकलेगा ये चटक जाएगा। मैं गया था वर्सोवा, अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, मेरे हर व्लॉग में आपको तेज बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं गया था वर्सोवा एड शूट करने के लिए, वो निपटा लिया था मैंने, अपने प्रिय दद्दू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। हमने वहाँ चना आलू और पूड़ी ये सब चीज़ें खाई, आइसक्रीम खाई। मैं घर लौट रहा था जेटी से, तो मेरा ये जो बैग है खोलना क्या जरूर, अभी खुला है मेरा ये बैग है, इसमें मैं अपना कैमरा हमेशा ऐसे रखता हूँ। अगर प्लीज़ बैक पे ही फोकस कीजिए, ऐसे इसकी चेन ऐसे बंद होती है थोड़ी सी, मैं इसको हल्का सा ऐसे करता हूँ और कैमरा ऐसे निकाल लेता हूँ, निकाल के ऐसे और सीधा ऑन करता हूँ और शूट कर लेता हूँ। बहरहाल अभी फ़िलहाल इस कैमरे को बंद कर लेते हैं और इसको वापस ऐसे रख लेते हैं। तो मैं जेटी से अपने दद्दू को बाय बोलकर वापस आ रहा था और उन्होंने मुझे बोला चल ठीक है फिर मिलते हैं, मैंने कहा ओके ओके बाय बाय, और मैं आइसक्रीम खाते हुए मज़े लेते हुए जा रहा था। इसकी चेन ज़्यादा खुल गई, खुलती गई खुलती गई खुलती गई, वापस आ जाए। ये बहुत ज़ोर से नीचे गिरा है, शायद इस पर स्क्रैच है, बारिश बहुत हो रही है, एक बार बारिश के भी दर्शन करा दें बाहर जाके। आप भाजी ये बारिश कब रुकेगी? ये सितंबर में रुकेगी। ठीक है भाई, तो फिलहाल जो है इस कैमरा को ऑन कर लेते हैं। इस तरह इसने मेरा अब तक एक डेढ़ साल साथ दिया बेचारे ने, अब ये ऑन हो गया। देखो इसकी मोटर अटक गई है, हमेशा से ये ऐसे आता था सामने, अभी भी ये अटक रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, इस फंस रहा है, तो ये यहीं यहीं अटक चुका है। अभी थोड़ी देर में ये नखरे दिखाएगा, देखो फॉलो सीधा FPV पे आ ही नहीं रहा, मतलब इधर सीधा हो ही नहीं रहा और बहुत टाइट हो गया कैमरा अपने आप ही। ये गया गया, देखो ये लिखा गया, ये जो इस पर गिम्बल प्रोटेक्टेड लिखा आ गया है ये बार बार हो जा रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ अब ये ठीक नहीं होगा। देखो ये मैंने ठीक कर लिया, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अभी चला जाएगा, जाने वाला है। गया, समझ में आ गई प्रॉब्लम, ये बंद भी नहीं हो रहा है, ऑफ भी नहीं हो रहा है, ऑन भी नहीं हो रहा है। गया, फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मैं इतना दुखी हूँ इस बात को लेकर, इतना ज़्यादा डीपली हर्ट हूँ, मैं क्या बोल, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कुछ। मेरे बहुत ही जिगरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था कैमरा व्लॉगिंग के लिए, और आज डेढ़ साल बाद ये मेरे हाथों से गिर गया, जबकि मैं इसको बहुत संभाल के रखता था, किसी को मैं इसकी गर्दन टच नहीं करने देता कि नाजुक है, ठीक है ठीक है, बट आज ये काम हो गया तो बड़ा बुरा लग रहा है। फिलहाल फिर से चला गया, फिलहाल ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैंने YouTube पे एक वीडियो सर्च मारी, हाउ टू फिक्स गिम्बल प्रोटेक्टेड इन 7 seconds, लेट्स सी। ये भी उसी प्रॉब्लम पे गौर कर रहे हैं, इसने मुझे कैमरा झंझोड़ने के लिए बोला है स्पेशली, मैं बेचारा फिर और ऑप्शन कोई रह नहीं जाता मेरे पास। अब ऑन करके देखते हैं, आया तो पूरा है भाई, अटक रहा था ना, आया तो पूरा है, अभी वाइब्रेट कर रहा है इसके अंदर कुछ, ये नॉर्मल नहीं है, कभी वाइब्रेट नहीं करता ये, पर अभी कर रहा है ये वाइब्रेट। इसको इधर लाते हैं, इसकी मोटर कुछ अंदर से कर रही है, रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। अभी अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी है, मेरा गिम्बल खराब हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में, यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक ब्लॉग में बने रहने के लिए। अब तुम खराब तो नहीं हो ना, ठीक हो गए बेटा तुम, आई लव यू, थैंक यू। गया गया भाजी, दो तीन बार करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई कर रहा हूं। हाय, अभी कैसा लग रहा है? होपफुली सही लग रहा होगा तुमको, सांस आ रही है? मैं कौन हूँ, ये कितने हैं,
ये कितने, ये कितने, और ये, अब मुझे लग रहा है ये ठीक हो गया है, अब नहीं कर रहा भाजी। ऑफ करके देखो, ऑफ करके ऑफ कर दो, बाय। जय हो प्रभु। मर चुके थे तुम। थैंक यू दोस्तों। तो फाइनली अपना गिम्बल जो है वो ठीक हो चुका है, मुझे लगता है अभी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहना चाहिए बेचारा। इसके इस कवर ने बचा लिया इसको, इसके ऊपर ये हमेशा रहता है और इस पर स्क्रैच भी पड़ गया। पहली बार मैंने कभी इस कैमरा को खरोंच भी नहीं आने दी, मोच आई थी सही हो गई। हाँ मतलब हल्की सी मोच आई थी इसको, श्री कह रहा मोच आई थी हल्की सी और ठीक हो गई। बट सीरियसली यार मेरा तो दिल ही टूट गया था बहुत ज़्यादा, ऊपर से गिफ्टेड है मेरा ये। बस ठीक है, आज आज दिन सफल रहा, अच्छा लग रहा है मेरे को, वरना मैं कल से सोच रहा था कि क्या ही करूँगा यार। बट ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब हमने खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया, चेंज वेंज करेंगे, सोएंगे। बाय बाय, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। भैया लगातार यही मौसम है तो अगला कोई क्या करे, कॉफी बनाए और क्या। विपिन भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, मैं जा रहा हूँ। इतने के लिए इतना कष्ट झेल दिया तुमने, आए कह रहे हैं इतने के लिए इतना कष्ट, बहुत नखरे वाला है विपिन भाई। हाँ जी, एक तो मेरी ओनर मुझे पकड़ लेती है वीडियो बनाते हुए, मुझे बड़ी शर्म आती है उसके बाद। मनीष की फेवरेट फिल्म है कोयला। बहरहाल हमारा कैमरा जो है चलने लगा है, उसी से मैं ये शूट कर रहा हूँ। मतलब कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी वो देखो वो समुद्री एरिया तुमको दिख नहीं रहा होगा, पर वहाँ भूचाल आ रखा है, बहुत तगड़ी बारिश चल रही है। मुंबई में ऐसा तूफानी समा हो रखा है लगातार। ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, बरसात के चलते चलते इसकी ये हालत हो जाती है धीरे धीरे। नीचे एक जगह ऐसी है जहाँ ये फट चुका है। मनीष भाजी आ जाओ, हैं इसी रस्सी को खोल देते। मुंबई में रहना बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्यों भाजी? बरसात के दिनों में यही सब चलता रहता है। तो गलत वाली तरपाल बांध ली है इस बार, वो दूसरी ब्लू वाली आती है जिससे कड़ी बनी होती है वो। अब तुम समझ गए होंगे, हर साल तरपाल बनता है, ब्लू वाली अच्छी थी ना। और मेरी जो ओनर है वो बिल्कुल, वो हमको उल्लू समझती है एकदम, वो नहीं कर, वो इनको ठीक ही नहीं करती। ब्लॉग देखती है वो? हाँ ठीक है। हमारी ओनर साहब जो है बहुत अच्छी हैं, पर वो हमको एकदम उल्लू समझती हैं बिल्कुल, हमारी बात मानती ही नहीं है। तो हम इस ब्लॉग के थ्रू उनको मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि वो ब्लॉग देखती हैं। रेडी? एक मिनट, यहाँ बांधते हैं ऐसा, ऐसा बांध। नहीं नहीं, इसको छेद करना पड़ेगा यहाँ पर, सब कुछ नहीं करना, ऐसी रहेगा। नहीं नहीं, निकल जाएगा, मैं बोल, मैं जानता हूँ ना, सरक के निकलेगा, ये चटक जाएगा। चलिए फिलहाल हमने इतना जुगाड़ कर दिया कि ये हिलेगा नहीं यहाँ से, बहुत है वो निकल जाएगा। ये मेरा ये मानना है कि ये समय से पहले निकलेगा, दो से तीन दिन के अंदर सरक के निकल जाएगा, सरक से सर करके निकलेगा। तो बस यूं ही दिनचर्या कट रही है, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कंबल ओढ़ नहीं सकते गर्मी लगती है, टी शर्ट उतार नहीं सकते ठंड लगती है। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया ये वाला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इतनी बारिश में बंदा बैठा हुआ है अंदर, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबा देना, दबा के देखो उसके अलग मज़े हैं, गारंटेड फन।
और अगर इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि रोज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं।